फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरविंद, आप देख रहे हैं अक्षय रिव्यू। और आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू देने वाला हूँ लेटेस्ट रिलीज मूवी, जो कि 20 अगस्त को नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज हुई है। मूवी का नाम है स्वीट गर्ल। तो चलिए इस मूवी की बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ तो स्वीट गर्ल ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी का नाम स्वीट गर्ल पता नहीं किसे रख दिया यार, कुछ भी। मैंने मूवी देखी। मूवी देखने के बाद मुझे ये तो समझ आ गया कि मूवी काफ़ी अच्छी, चलो एक्शन थ्रिलर है उसके हिसाब से है मूवी, लेकिन स्वीट गर्ल क्या है रखना ज़रूरी था मूवी में? लड़की का ऐसा रोल दिखाया गया उसके हिसाब से तो मैं बोलूँगा कि मूवी का नाम स्वीट गर्ल नहीं होना चाहिए। एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका, या फिर एक स्मार्ट गर्ल, एक डेंजरस गर्ल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, ऐसा कुछ मूवी का नाम होना चाहिए था। मूवी के अंदर जो हमारे लीडिंग रोल में देखते हैं मिसेज जेसन और उसके साथ में इजाबेला, इजाबेला ने काफ़ी अच्छा इसके अंदर अपना काम किया है। और मिसेज जेसन ने अपनी, जैसे उनका एक सख्त अंदाज होता है मूवी के अंदर, उनके जो एक्वामैन वगैरह मूवी में देखा, उनका जो हैवी डायलॉग, भाई इस मूवी की जो डबिंग जिसने भी किया है, सीधी बात है मूवी की डबिंग एक नंबर है, काफ़ी अच्छी डबिंग की गई है। मिस्टर एक्वामैन की, जो हमारे मिस्टर जेसन है, उनका जो आवाज़ है, मतलब उसका आवाज़ आप सुनेंगे तो आप फैन हो जाओगे। मतलब जैसा आदमी, अच्छा खासा आदमी, तो उसके हिसाब से प्रॉपर एक उसकी आवाज़ दी गई है। ऐसा कुछ भी नहीं कि डबिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं गया, ऐसा कुछ नहीं, ये मूवी के प्लस पॉइंट है कि मूवी की जो डबिंग है उस पर प्रॉपरली काम किया गया है। हाँ तो मूवी के अंदर क्या है, मूवी के अंदर अगर मैं एक वन शॉट अगर बात करूँ तो मूवी के अंदर देखते हैं हमारी एक फैमिली होती है, हमारे हीरो की, जैसन की, एक खुशहाल फैमिली होती है। फैमिली के अंदर कुछ मेडिकल इश्यूज होते हैं, किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उस मेडिकल इशू का कैसे एक मेडिकल कंपनी से लेना देना होता है, कैसे ऐसे सिचुएशंस मेडिकल कंपनी पैदा कर देती है कि हमारा हीरो जो जैसन होता है वो कैसे रिवेंज लेने के लिए ट्राई करता है। आगे काफ़ी कुछ देखने को मिलता है हमें, कैसे कैसे ट्विस्ट आते हैं। और सस्पेंस मूवी की अगर मैं डायरेक्टली सस्पेंस की बात करूं तो सस्पेंस इतना कुछ खास आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन हाँ मूवी के अंदर आपको एक ज़बरदस्त ट्विस्ट आपको मिलेगा, जो आपको पूरी मूवी स्टार्टिंग से कैसे आ रही थी आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे एक टाइम पे। फिर आपको मतलब वो जो ट्विस्ट आता है तो आप बोलेंगे क्या है, या फिर आप बोल सकते हैं क्या है, मतलब ये दो तरह से हो सकते हैं, या तो आप बोलेंगे काफ़ी ज़बरदस्त किया गया है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि क्या मतलब कुछ भी किया गया यार, सिंपल सी बात है, कुछ भी डाल दिए लोग ने। कौन है, कहाँ से आते हैं? तो ऐसे दो माइंड में थॉट्स आ सकते हैं अगर आप आपके जब आपके सामने ट्विस्ट आते हैं। और सस्पेंस की अगर हम बात करें तो मूवी के अंदर सस्पेंस जैसा कुछ रह नहीं जाता, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है जो फाइनल में भी सस्पेंस सामने आता है वो तो आपको पहले ही पता चल चुका होता है ऑलरेडी है। तो ये मतलब ये एक ओवरऑल बात हो गई मूवी के लिए। अगर बात करें मूवी के एक्शन की तो मूवी में कमाल का एक्शन लिया गया है। हमारे एक्वामैन जो मिस्टर जेसन है उनके उनको ज़्यादा ओवर कुछ ऐसा फाइट वगैरह सीन देने की कोशिश नहीं की गई है, एक नॉर्मल सा फाइट दिखाया गया है, जैसे एक नॉर्मल मूवी दिखाई गई है, एक नॉर्मल फैमिली के हिसाब से कैसे एक फैमिली का बंदा रिवेजन लेता है, तो उसमें उसके हिसाब से भी हमको एक्शन मिलता है। काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्शन नहीं दिखाया गया है, एक नेचुरल फाइट वगैरह सीन दिखाया गया है, काफ़ी कुछ आपको इसमें और भी जो काफ़ी गन्स वगैरह मतलब काफ़ी चीज़ें हैं आप मूवी के अंदर। A few moments later. क्लाइमेक्स, जैसे कि मैं अभी स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, क्लाइमेक्स यार मतलब क्लाइमेक्स देख के तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं अपसेट हो गया मूवी क्लाइमेक्स को लेकर। जो थ्रिलर मुझे लगा मूवी के अंदर, जैसे नाम पे लिखा है द स्वीट गर्ल एक्शन थ्रिलर मूवी, तो स्वीट गर्ल के हिसाब से मुझे थ्रिलर तो इसमें ज़्यादा कुछ मिला नहीं, लेकिन हाँ एक्शन काफ़ी कुछ था इसके अंदर। थ्रिलर के नाम पे सिर्फ एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, थ्रिलर के नाम पे जो एक ट्विस्ट आता है आपके सामने वो एक काफ़ी बड़ा थ्रिलर हो सकता है बोलने के लिए। और इतना तो कुछ खास नहीं था, फिर भी मूवी को IMDb प्लेटफॉर्म पे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मूवी को इतना रेटिंग देना सही नहीं था, लेकिन फिर भी मूवी वन टाइम वॉच है यार, आप बोर नहीं हो सकते मूवी से। लेकिन आजकल के हिसाब से मूवी की अगर बात करें तो मूवी इतना काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है कि आप दूसरे को सजेस्ट करें कि ये मूवी देखो, काफ़ी अच्छी मूवी है, ऐसा कुछ देखने नहीं मिलता है। मूवी के बारे में अब इससे ज़्यादा कुछ रिव्यू देने के लायक मेरे हिसाब से तो अब नहीं है।
क्योंकि जिस हिसाब से मूवी बनी उसके हिसाब से इससे ज्यादा इसमें कुछ बोलने लायक नहीं है मूवी के अंदर। बाकी अगर बाकी चीजों की बात करें तो जैसे मैंने बताया एक्शन काफी अच्छा है, एक सस्पेंस थोड़ा नाम का सस्पेंस है वो भी, लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ट्रेजेडी काफ़ी अच्छी दी गई है, जो आपको एक ट्विस्ट लाने की कोशिश की गई है काफ़ी अच्छा दी गया है। और जो नॉर्मल बाकी अगर बात करें एडिटिंग वगैरह की, मूवी की एडिटिंग, स्क्रिप्ट काफ़ी अच्छे लिखे गए हैं, डायलॉग काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, और ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी है। वन टाइम वॉच है लेकिन ठीक ठाक मूवी अच्छी है, आपको देखनी चाहिए। नहीं और इसी के साथ इस रिव्यू को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।